जैसा कि आप ये प्रश्न अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम इसी प्लान के बारे में बात करेंगे। जानेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके फीचर्स और क्या क्या चार्जेस होंगे हम पे एप्लीकेबल। तो जानने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक। और अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल टॉपिक पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रश्नों के अनुसार। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। ये जो प्लान है बजाज अलायंस की तरफ से और इसका नाम है फ्यूचर गेन, तो इसलिए इसका कंप्लीट नेम हो जाता है बजाज अलायंस फ्यूचर गेन। तो जानते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, 1 साल से लेकर के 60 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान अवेलेबल है। आप अपने बच्चे के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं और अपने लिए भी ले सकते हैं, अगर आपकी ये 60 साल के आसपास है, नियर बाय बर्थडे आपका 60 इयर्स का है। तो प्लान में जो मेच्योरिटी एज है मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम है 70 इयर्स। प्लान की जो टर्म है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो क्या 5 पे 6 पे, मतलब कि लिमिटेड पे और रेगुलर पे का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 5 पे या 6 पे ऑप्शन चूज करेंगे तो जो पॉलिसी जो टर्म है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 10 इयर्स का, 15 इयर्स का और 20 इयर्स का। इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शन चूज करते हैं रेगुलर पे या लिमिटेड पे का, तो 10 इयर्स, 15 इयर्स और 30 इयर्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 इयर्स से लेकर के 30 इयर्स तक आप बोल सकते हैं, और जो पॉलिसी का जो टर्म है वो 10 इयर्स टू 30 इयर्स आप मान के चल सकते हैं। प्लान के अंदर जो आपको प्रीमियम पेइंग मोड मिलते हैं वो है आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। लेकिन जो मिनिमम प्रीमियम है और मैक्सिमम प्रीमियम है उसको यहाँ पे आपको लिमिटेशन देखने के लिए मिलती है। अगर आप ईयरली ऑप्शन चूज करते हैं, जो मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट होगा वो है 25,000 रुपीज, मैक्सिमम होगा 12 लाख ईयरली। हाफ ईयरली अगर आप चूज करेंगे तो 13,500, मतलब 13,500 का मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 6 लाख तक। क्वार्टरली अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो मिनिमम प्रीमियम है 7,000 रुपीज, मैक्सिमम जाएगा 3 लाख तक। मंथली ऑप्शन की बात करेंगे तो 2,500 रुपीज है और मैक्सिमम यहाँ पे चला जाएगा आपका 1 लाख रुपीज तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रीमियम पेइंग का यहाँ पे आपको लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत से प्लान के अंदर क्या होता था मिनिमम की तो लिमिट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को आपको लिमिटेशन देखने के लिए मिलता है। समर शॉर्ट की अगर हम बात करें, अगर आपकी एज अप टू 45 इयर्स से कम है तो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं मिनिमम समर शॉर्ट होगा, आप जो प्रीमियम पे करेंगे एनुअली उसका 10 टाइम्स। अगर आपकी एज 55 इयर्स से ज्यादा है राइट, तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका 7 टाइम्स होगा, मतलब जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स आपको मिलेगा सम अश्योर्ड। ये हो गया मिनिमम। अब मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो ऐसे में जो आपकी एज है अगर 45 इयर्स से कम है या 40 इयर्स से कम है, तो जो आप एनुअल प्रीमियम पे करेंगे उसका 13 टाइम्स से लेकर के 12.25 टाइम्स तक भी हो सकता है। अब आपका यह सम अश्योर्ड आगे चल के आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप अप प्रीमियम का, मतलब जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो एक मैक्सिमम लिमिट है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए साल का पे करने का डिसाइड किया, तो इतना ही टॉप अप प्रीमियम आप जब आपको लगे कि आप एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो आपका टॉप अप प्रीमियम होगा उसमें आप मल्टीप्लाई वाई कर देंगे 1.25 का, तो ये आपका सम अश्योर्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो टॉप अप प्रीमियम आप पे करेंगे उस पे भी लॉकिंग पीरियड जो हो जाएगा वो 5 इयर्स का एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो यूलिप प्रोडक्ट होते हैं उसमें 5 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। 5 इयर्स से पहले आप उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं अगर आप पार्शल विड्रॉल करना चाहते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए आपने 5 इयर्स तक लगातार पे कर लिया और उसके बाद आपको लगा कि आपको इन्वेस्टमेंट घटाना है, तो मिनिमम प्रीमियम का यहाँ पे ब्रैकेट है। अब इससे ऊपर अगर आपका प्रीमियम है तो आप उसको घटा सकते हैं मिनिमम प्रीमियम तक। अब मैक्सिमम कितना कर सकते हैं कि जो आपका सालाना प्रीमियम है उसको 50% तक, 50% तक आप घटा सकते हो, मतलब आप बढ़ा भी सकते हो टॉप अप ऐड करके अपने इन्वेस्टमेंट को, और अगर आप घटाना चाहते हो तो आप अपने प्रीमियम का 50% तक घटा भी सकते हो। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो ये प्लान आपको 2 स्ट्रेटेजीज ऑफर करता है। फर्स्ट है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आपको 7 फंड ऑफर होते हैं जिनमें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड स्विचेस की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपने मान लीजिए ग्रोथ फंड ऑप्शंस आपने चूज कर लिया फर्स्ट वाला राइट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है 7 है, 7 के नाम्स यहाँ पर आ रहे हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट वाला चूज कर लिया, अब इसमें आपका 60% तक आप इक्विटी मार्केट में यहाँ पे लगा रहे थे और आपको लगा कि इसकी जो यूनिट वैल्यू है राइट,
यहाँ पे आपको स्विच करनी चाहिए दूसरे उसमें, तो आप दूसरे फंड में इस यूनिट वैल्यू को जो दूसरे साथ में आपने सेलेक्ट किया हुआ है राइट, वहां पे आप स्विच कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिट को एक फंड से दूसरे फंड में भी आप स्विच कर सकते हो, जिसका कोई चार्जेस नहीं होगा और कोई काउंटिंग नहीं, जितना चाहो आप उतना इसको कर पाओगे, ये एक अच्छी चीज है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है होल लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब ये जो होल लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है ये एकदम फिक्स्ड है, ये कंपनी अपनी तरफ से इसको डिसाइड कर लेगी। जैसे आप इसको क्लिक करके उनको बता देंगे आप ये स्ट्रेटेजी चाहते हैं, तो कंपनी के जो फंड मैनेजर है वो इसके ऊपर वर्क शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी स्विचेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी अपने सिस्टमेटिक तरीके से इसके ऊपर वर्क करेगी और एंड में जो मैच्योरिटी आएगी उसमें आपको आपका जो फंड वैल्यू होता है मैच्योरिटी बेनिफिट में जैसे यूरिप प्लान में होता है वो आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रेटेजी में आपने चूज कर ली, बट आपको लगा कि अब आपको एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी से दूसरी में जाना है, तो जैसे ही आपकी पॉलिसी का जो ईयर है वो आने वाला है तभी आप 30 डेज पहले उनको बता देंगे कंपनी को कि आप चेंज करना चाहते हैं स्ट्रेटेजी को, तो आप चेंज भी कर पाए हैं। क्योंकि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो होल लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर तो हम स्विचेस ही नहीं कर पा रहे हैं, बाउंडेशन है, तो इसलिए ये ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट का, तो देखिए हम सबको पता है कि यूलिप प्लान के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट का बन जाता है यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू का बनता है टोटल फंड वैल्यू, वही जो टोटल फंड वैल्यू होती है वही हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट होता है। लेकिन इस प्लान में आपको ऑप्शन है कि आप सेटलमेंट ऑप्शन ऑप्ट कर ले, मैच्योरिटी हो गई, अब आपको लगा कि जो आपको फंड वैल्यू बन गया है उसका एक किस्त तो आपको इंस्टॉलमेंट अभी मिल जाए मैच्योरिटी पे, उसके बाद अगले 5 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलता रहे, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या हो ईयरली, लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका ही रहता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सेम चीज डेथ ऑप्शन पे भी है, अगर मान लीजिए पॉलिसी जिसने ले रखी है जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी भी यही ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट ले सकता है, और ऐसे में जो रिस्क फैक्टर है वो नॉमिनी को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा इन दी एंड जाकर रहा है मार्केट में, और जब मार्केट ने पैसा लगाते तो जोखिम हमारा ही होता है। ओके, अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो हम सबको पता है यूलिप प्लान के अंदर या तो सम एश्योर्ड होता है या जो डेथ की डेट है वहां तक जितना प्रीमियम पे किया है उसका 105% होता है, ये जो टोटल फंड वैल्यू होता है इनमें से जो भी हाई होता है वही हमें डेथ बेनिफिट के रूप में देखने के लिए मिलता है। अब बात आते हैं कि इस पॉलिसी को अगर हम लेते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। सारे चार्जेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, मिसलिनियस चार्जेस है, डिसकंटिन्यूअस या सरेंडर चार्जेस है, मोर्टेलिटी चार्जेस है, और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का जो स्विचेस चार्जेस है वो अप टू 500 रुपीज तक है। ओके, तो ये सारे चार्जेस हम पे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लान अगर हम ले रहे तो कहीं पे हमें कोई रियायत मिल रही है, सारे चार्जेस जो लगते हैं वो यहाँ पे सारे एप्लीकेबल है। अब बात आती है सरेंडर का, अगर आप इस प्लान को सरेंडर करते हो आगे चल के तो ऑब्वियसली बात है डिसकंटिन्यूस चार्ज मैंने आपको बताई दिए, जो सरेंडर वाले चार्जेस है वो तो आपके ऊपर लगेंगे। अब बोलो कि आपने 5 ईयर्स से पहले कर लिया, क्योंकि 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है यूलिप प्लान के अंदर, और आपने 5 ईयर्स से पहले सरेंडर करने का सोच लिया, तो क्या होगा यहाँ पे जितना भी आपका जो यूनिट फंड वैल्यू बन रहा होगा उसको एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूस लाइफ फंड वहां पे बन जाएगा, उसके अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि पैसा आपको एकदम नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म्स पहले ही क्लियर है कि 5 ईयर्स का यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, उसके बाद अब तक पैसा आपको मिल जाएगा। और 5 ईयर्स के बाद करेंगे तो थोड़े डिसकंटिन्यूस चार्जेस आपको कम लगेंगे और पैसा आपका होल्ड पे नहीं जाएगा, आपका जो भी यूनिट फंड वैल्यू होगा उस पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको वो तुरंत मिल जाएगा। तो यही है प्लान, यही थी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। और हाँ एक चीज और, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करनी है, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल करें वीडियो, अगर आपने एंड तक देखा तो वैसे कुछ बचा नहीं है ऐसा कि जो मैंने आपको ना बताया हो राइट मोटे तौर पे, बट अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आप सारी इन्फॉर्मेशन खुद क्रॉस चेक कर पाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछते रहे, वीडियो की इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं चैनल पे या हमारे वीडियो के कम्युनिकेशन किसी भी चीज में, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलता भी चलता आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी बहुत ही मूल्यवान हैं, और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली कनेक्शन बनाइए।